हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही एकदम सुपर टेस्टी तीखी चटपटी टिक्की। फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये दो बड़े साइज के आलू। आलूओं को मैंने बीच में से पहले कट करके उनको बॉईल किया था, जिससे कि जल्दी से बॉईल हो गए। उसके बाद देखिए, मैंने इसको फॉर्क की हेल्प से मैश कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं चाहिए। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से या फिर इस तरह से फॉर्क की हेल्प से इसको मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज की हरी कटी हुई मिर्च, साथ ही साथ हमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को बारीक काट लें। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सिंपल लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा के दाने। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आपने टेस्टी अकॉर्डिंग डालें। 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आधी चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे कि इसकी बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाएगी। और 2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ये सूजी। अगर बाइंडिंग के लिए थोड़ा बहुत कम लगेगा तो थोड़ा सा सूजी हम और ऐड कर लेंगे इसमें। तो आप चाहे तो इस नाश्ते को सिंपल भी बना सकते हैं, इसी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और टिक्कियाँ जैसी बना के आप बना सकते हैं। बट मैं इसको और भी ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँ इसमें ये 1 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ का। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, प्रोसेस या मोजरेला कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप इसमें सिंपल पनीर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। बट चीज़ से एकदम बढ़िया चीज़ी टेस्ट आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 क्यूब डाल रही हूँ, आप चाहे तो 2 क्यूब भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है। 2 से ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 2 ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने क्यूब्स को इसमें ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों की हेल्प से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका हम एक डो जैसा बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको आलूओं का कोई मोटा टुकड़ा दिख रहा है तो उसको भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सूजी कम लगेगी, तो थोड़ा सा सूजी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको डो जैसा बना लिया है, बट अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर लग रहा है, ये हाथों से थोड़ा सा चिपक भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच सूजी और ऐड कर लेते हैं। इसीलिए पहले थोड़ी कम डालनी है, क्योंकि जरूरत लगेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और डाल दी है, इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, अब ये हाथों से नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट डो की तरह बन चुका है। क्योंकि अभी सूजी भी इसमें थोड़ी बहुत फूलेगी, तो जैसे ही सूजी फूलेगी वो आलूओं का मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल डो की तरह बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी हम टिक्कियाँ जैसी बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इनको गोल आकार में, सिलेंडर आकार में, जैसे भी आपको शेप पसंद हो वैसे आप इनको बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा टिक्की टाइप में इनको बना रही हूँ। इस तरह से इनको बना के प्लेट पर रखते जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप आलू बॉईल नहीं करना चाहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी घर पे आलू बच जाते हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा उबाल लेते हैं, तो उससे भी इनको बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारी टिक्कियों को बना बना के तैयार करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। देखिए, टिक्कियाँ देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन में 3 चम्मच ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर इन टिक्कियों को सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अभी ऑयल हल्का सा गर्म है, इसको और गर्म करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, ऑयल अच्छे से एकदम बढ़िया सा गर्म हो गया है। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से अच्छी हीट आ रही है। तो अब हम इसमें अपनी टिक्कियों को डाल देते हैं। तो एक बार में जितनी आ जाए आप उतनी डाल लें। तो मैंने यहाँ पर एक बार में 4 से 5 टिक्कियाँ डाल दी हैं। अभी हम इनको पहले नीचे से सिकने देते हैं, उसके बाद ही हमें इनको पलटना है। जब ये नीचे से सिक जाए उसके बाद ही इनको पलटेंगे, इनको कच्चा ही नहीं पलटें, नहीं तो ये टूट भी सकती हैं। तो ये देखिए, साइड से इनका कलर चेंज हो गया है हल्का हल्का सा। अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है दूसरी साइड से। तो इसी तरह से हम इनको दोनों साइड से सेकना है एकदम गोल्डन क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए, दोनों साइड से एकदम बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी है टिक्कियाँ। देखिए कितना सुंदर कलर आया है।
बहुत ही ज़्यादा करारी करारी हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं एक टिश्यू पेपर पे, जिससे कि इनका जो भी स्टाइल होगा वो इसमें से निकल जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा करारी हैं, तो इस तरह से हम इनको टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा लटपट देंगे, जिससे कि स्टाइल इसमें से निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी सेक लेंगे। ये भी सूख चुकी हैं, तो इनको भी हम पलट देते हैं। तो टिक्कियां दोनों साइड से काफी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो गई हैं, इनको भी हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी गर्मा गर्म टिक्कियाँ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर इनको सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च की चटनी भी ली है। अगर आपके पास तीखी चटनी नहीं है हरी मिर्च वाली, तो आप अकेले इसको टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रंची बनी है। देखिए ये देखिए, आप इसकी क्रिस्पनेस की आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं एकदम से। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए वाह, अंदर से सॉफ्ट है बाहर से क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। हमारी ये कुरकुरी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आप इनको हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ किसी के साथ भी गर्मा गर्म खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।